अभी हम हैं कोमल सैनी के साथ और इन्होंने हमसे कोर्स कंप्लीट करके जॉब कर रही हैं अभी ये है। तो आइए इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कोमल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम बीकॉम एंड आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग। तो कोमल, आप एमबीए कर रहे हो, तो आप हमें ये बताइए कि आप एमबीए कर रहे हो फिर भी आपने अकाउंटेंट बनने का डिसाइड क्यों किया और अकाउंटेंट हमसे ही बनने का डिसाइड क्यों किया? मुझे आपका रेफरल मिला था, मेरी जो फ्रेंड है उनकी मदर से, कि आप जो है क्लासेस देते हैं और आप सिखाते हुए साथ में जॉब भी आप प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैंने सोचा आई विल ट्राई। और मुझे यहाँ से मतलब पढ़ के और सीख के अच्छा लगा और मेरी एक जॉब कंफर्म भी होगी। अच्छा, मतलब अभी आप जॉब कर जॉब रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है। अब ये बताइए कि आप जब हमसे पढ़ रहे थे तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि क्लासेस कैसी लगी, टीचर्स कैसे थे, जैसे कि मैं ही था, तो वो आपको कैसा लगा, आपको अच्छी लगी क्लासेस या नहीं? क्लासेस अच्छी थी, आपने मतलब हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे पूरा पूरा ध्यान दिया है, सबको देखा है कि सब जितना आप सिखा रहे हैं सब इंडिविजुअली सब सीख रहे हैं। मेरे साथ तो ऑलमोस्ट ऐसे ही था। चलिए बहुत अच्छा है। कोमल, आपको कई चीज़ें तो पहले से आती होंगी क्योंकि आप बीकॉम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आए थे, एमबीए कर रहे थे आप उस टाइम पे, तो कई चीज़ें आपको पहले से आती थी। जैसे मान लेते हैं मैं किसी एक टॉपिक की बात करता हूँ कि वो टॉपिक आपको आता था, फिर हमने उसे दोबारा अपने वे में सिखाया या आपको ऐसा बोल दिया कि ये तो आपको आता है आगे बढ़ते हैं? नहीं, आपने सिखाया, वो पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो कोई डिफरेंस फील हुआ जो आपको पहले आता था और जो उसके बाद हमने हाँ, सिखाया? क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में जब हमने पढ़ा था तब हमने सिर्फ प्रैक्टिकली करा था, लेकिन आपने हमें मतलब थ्योरेटिकली करा था, लेकिन बाद में आपने हमें प्रैक्टिकली भी सिखाया कि ऐसे करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आपको किसी और को रेफ़र करना होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे आने के लिए? जी ज़रूर। ठीक है, तो आप देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था इन्होंने, एमबीए चूज़ किया, बट फिर भी इन्होंने सोचा कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, एमबीए तो मेरी साथ में होती रहेगी पर पहले मैं अकाउंटेंट बन जाऊं। और आपकी इस टाइम पे जॉब लगी हुई है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप एक बार कंपनी का नाम हमसे शेयर करिए। डीजी एनर्जी टेक। चलिए, बहुत अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो और होपफुली आप और आगे ग्रो करो और आपकी और अच्छी कंपनी लगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। वेलकम।